जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं बीबी शहीद के पास जा रही हूँ उनकी बरसी के ऊपर, और उनकी जो जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद थी, उन्होंने जान दी इस मुल्क के लिए और बहादुरी से दी, तो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का भी मकाम है कि आज मुझे वहाँ उनकी बरसी पे शामिल होने का मौका मिल रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ने और बीबी शहीद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क को दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख तब्दील हो गई थी, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था वो, तो उसको मैं और बिलावल और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसको स्ट्रेंथन करेंगे। मैं ये भी समझती हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो डिवाइड है ये बहुत बढ़ गई है, और पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। हम सब पार्टीज़ डिफरेंट हैं, पीपल्स पार्टी हो या हम हो या कोई पीडीएम में शामिल जितनी भी जमातें हैं, उन सब के अलग अलग मंशूर हैं, उन सब के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सब के अलग अलग बिलीव्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान की खातिर जिस पर हम सब इकट्ठे हैं। और दूसरी आपने क्या सवाल किया था, किसके कहने पर गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए? शहबाज शरीफ से आपसे नहीं किए, जेल में जाके मुलाकात की है, तो आप समझते हैं कि क्या पीर पगाड़ा सीरियसनेस दिखा रहे हैं या कोई और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ इस विज़िट से नहीं, इससे पहले भी हमें कई पैगाम मौसूल होते रहे हुकूमती वज़रा की जानिब से भी, जब उनको जवाब नहीं दिया गया तो फिर और लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ने एक बहुत अटल फ़ैसला कर लिया है, और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर हैं, और पीडीएम में शामिल सारी जमातें इस चीज़ पे क्लियर हैं कि कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा, और ये बिला वजह नहीं। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब तो जेल में, उनको तो नहीं, जब आप अभी जेल में नहीं गए इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि जब आप जेल में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन मिलने आ रहा है, आपको अचानक बताया जाता है कि आपको कोई मुलाकात के लिए आना चाहता है। आप उस वक्त इनकार करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होते कि आपको ये नहीं पता कि जो आ रहा है वो क्या कहने आ रहा है, क्या बात लेके आ रहा है। तो ये बात बड़ी एक आई ओपनर है कि जहाँ ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, वहाँ इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बग़ैर किसी इशू के या बग़ैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं, तो इससे बहुत चीज़ें वाजे हो जाती हैं। अच्छा, मरीम शहबाज, एक तरफ मर्दम शुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया और सिंध में आप जा भी रही हैं, कराची की जो बड़ी जमातें हैं PSP भी MQM भी उस पर तहफ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि कराची की ही अगर हम बात करें मर्दम शुमारी में उनके अफराद को कम अज़ कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम दिखाया गया है। क्या हुकूमत, एक तरफ आप लोग तो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ नहीं है कि हुकूमत जो है उन्होंने धांधली का आगाज़ 2020 के आखिर में ही शुरू कर दिया मर्दम शुमारी को लेकर, और आपकी जमात भी क्या मर्दम शुमारी के जो अभी कराई गई है इसे तस्लीम करती है? देखिए धांधली का जहाँ तक बात है तो ये हुकूमत ही धांधली की पैदावार है, और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है कि इनको पता चल गया है कि अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये जितनी भी कोशिशें ये कर लें इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे, और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें, और आप ये देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, तर्जुमानों का इजलास हो रहा होता है, और वो जाली सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ख़ुद उसको चेयर कर रहा होता है। मुल्क में महंगाई किधर चली गई है, मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, कोई चीज़ भी मुल्क की ठीक नहीं जा रही, बहरान में मुल्क आया हुआ है, और वो क्या स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, डिस्कशन वहाँ पे क्या हो रही है कि क्योंकि जी PDM जो है वो बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो PDM में दरार पड़ गई, अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो ओहो हो PDM में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली
मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नज़रें पीडीएम पे लगा के बैठे हुए हैं कि फलां लीडर वहाँ नहीं पहुँचा तो उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि शायद दरार पड़ गई हो। तो ये तो एक शिकस्त खुर्द आदमी की ज़हनियत की निशानी है जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि कुछ कुव्वतें हैं जो फिर से कोशिश कर रही हैं, कई बार नाकाम हो चुकी है, कि शहबाज शरीफ साहब को मियाँ साहब से अलग किया जाए, एक ये मुलाकात उसकी कोशिश हो सकती है। दूसरी ये बात है कि मौलाना, एक मिनट पहले एक बात कर लें, देखें ये बात हिस्ट्री से साबित भी है, ये बात आज के दौर में भी साबित हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफ़ादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफ़ादार हैं, और अगर वो वफ़ादार ना होते तो इस नालायक को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आज वो वज़ीर आज़म होते। अगर वो धोखा दे सकते हैं, वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं, और उन्होंने सारी ऐसी ऑफर्स को ठुकराया जिसका सबूत ये है कि आज वो अपने बेटे समेत जेल भुगत रहे। बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। सेनेट का इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन, दो एमएनए के इस्तीफे आए हैं, आप उन्होंने ही माजरत की है कि हमने स्पीकर को जमा नहीं करवाए, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के कई लोग दस्तबरदार हो रहे हैं स्पीकर को। एक सेकंड, नहीं कोई दस्तबरदार नहीं हो रहा, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, उनसे तो कोई गुमान कर भी नहीं सकता कि वो कहीं दस्तबरदार होंगे, वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए। मुझे वो खुद ये हैरान है कि उनके इस्तीफे वहाँ तक कैसे पहुँचे। हाउ एवर, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं, जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं, तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी पीडीएम के फलां डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें, तो वो पार्टी खुद करेगी। अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने। और ये भी मैं बता दूँ, जो लोग इस चीज़ से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे MPAs हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए, और एक इस्तीफ़ा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे हैं। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज़ से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी वजह ये है कि लोग मुस्लिम लीग नून और PDM की तरफ देख रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रहे। हमारे सारे मेंबर्स को भी पता है और PTI के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो PTI का नहीं है। तो अगर कोई ये खाम ख्याली रख के बैठा हुआ है कि जमात के लोगों को तोड़ लेगा, अब इन्होंने JUIF के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना। दो तीन लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी की आदत के ख़िलाफ़ बयान अचानक देना शुरू कर दें, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो डिसिडेंट्स होते हैं आप उनको अचानक अगर खड़ा कर दें और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज देना शुरू कर दे, अचानक जिनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर आप उनको कवरेज देना शुरू कर दें, और वो क़यादत के ख़िलाफ़ ये कहा, क़यादत के ख़िलाफ़ वो कहा, तो लोगों को सब समझ आती है ऐसी चीज़ें चलेंगी नहीं। जो गैर महसूस किरदारों की बात हो रही है बार बार, आपको नज़र आ रही है गैर महसूस किरदार और PDM का मुस्तकबिल क्या देख रही है? मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नज़र आ रहे थे, और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नज़र आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। उसमें भी शहबाज साहब ने कहा है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ, PDM जो फैसला करेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगी और सेनेट इलेक्शन में? देखिए बिल्कुल एक डिबेट हो रही है, पार्टी में दो किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कि हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी एक दो सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फ़ैसला अब PDM करेगी। अगर PDM मौलाना फजलुर्रहमान साहब की सरबराही में ये फ़ैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे।
अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। ये कब होगा फैसला? ये फैसला कब तक मतलब है? ये इंशाल्लाह ताला सेकंड थर्ड अराउंड सेकंड थर्ड जनवरी ये फैसला हो जाएगा। थैंक यू जी।